हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बैंक PO, बैंक क्लर्क, SSC, NDA, CDS, GMAT या किसी भी दूसरे कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस पूरे वीडियो क्लास को ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं आपको इन वोकेबलरी ई बुक्स के बारे में बताऊँगा जो कि हमने बहुत ही मेहनत से तैयार की हैं और अब तक हज़ारों स्टूडेंट्स इन ई बुक्स का फ़ायदा उठा चुके हैं। इन ई बुक्स को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बनाया गया है और इसमें 2500 वर्ड्स की जो हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं, जो कोर वर्ड्स हैं, जो सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, RC में, क्लोज टेस्ट में, पैराजम्बल में, वोकेबलरी में, SSC में, तो पूरा एक सेक्शन ही होता है वोकेबलरी का। काफ़ी सारे सरोनेम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं और यदि वोकेबलरी पर आपका अच्छा कमांड है तो आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश सेक्शन में। अब देखिए, वोकेबलरी आपको कौन सी याद करनी है? वोकेबलरी आपको करनी है कोर वर्ड्स, जो रिपीट होते रहते हैं सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में और जो एग्जामिनर्स फेवरेट वर्ड हैं, ठीक है। अब देखिए, इन ई बुक्स में मैंने किस तरीके से इनको इनको प्लान किया है सारे वर्ड्स को। जैसे यहाँ पर ये हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, पैरोकियल एक वर्ड दिया गया है और ये जो वर्ड है पैरोकियल, ये हज़ारों बार कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, सैकड़ों बार कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग कम्पिटेटिव एग्जाम में। अब यहाँ पर देखिए कितने सारे सिनोनिम इसके दिए हैं, नैरो माइंडेड, क्लोज माइंडेड, इंसुलर, एक ये वर्ड भी काफ़ी बार आता है इंसुलर, प्रोविंसियल, हाइड बाउंड, ये काफ़ी बार पूछा गया है। इस एक ही वर्ड के कितने सारे सिनोनिम मैंने यहाँ पर दिए हैं और कितने सारे एंटोनिम्स मैंने यहाँ पर दिए हैं। इसका एंटोनिम होगा ब्रॉड माइंडेड और यहाँ पर मैंने पिक्चर के थ्रू इसको समझाया है, क्योंकि जब आप पिक्चर के थ्रू इन वर्ड्स को आप देखते हैं तो ये इजीली आपको याद हो जाते हैं और आप इजीली इनको रिटेन कर सकते हैं। तो इन ई बुक्स के थ्रू जब आप वोकेबलरी को याद करेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, केवल आपको इसको इनको देखना है और देखते ही आपके ये सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे सारे वर्ड्स और एकदम से आप इनको रिकॉल कर सकते हैं रियल एग्जामिनेशन में। तो सारे वर्ड्स को मैंने, जैसे यहाँ पर एक वर्ड दिया है तो उसके कई सारे जितने जितने भी सारे इंपॉर्टेंट इसके सिनोनिम हो सकते हैं वो सारे मैंने इंक्लूड किए हैं, जितने भी एंटोनिम हो सकते हैं वो सारे मैंने इंक्लूड किए हैं, एग्जाम्पल सेंटेंस दिए हैं, हिंदी में भी मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल सेंटेंस है, ये पिक्चर है, ये सारे सिनोनिम्स हैं, ये सारे एंटोनिम्स हैं। तो इन ई बुक्स को आप लें और इनसे आप फ़ायदा उठाएं। बहुत ही कम इनका मैंने प्राइस रखा है, इनको केवल 250 रुपीज़ में। ये 2500 वर्ड्स का पूरा कलेक्शन है, इसमें 6 ई बुक्स आपको दी जाती हैं और इन ई बुक्स को यदि आप लेना चाहते हैं तो 6 ई बुक्स ये आएंगी और इनको मैं आपके ईमेल पे भेजूंगा। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से आप पे करके, वहाँ से आप पे जैसे ही करेंगे तो आपके ईमेल पे मैं इनको आपको भेज दूंगा और इनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लाइफ टाइम के लिए आपकी हो जाएंगी ये और सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है इसमें। जैसे डीबंक, ये कई बार पूछा गया है ये वर्ड डीबंक। यहाँ पर देखिए पिक्चर दिया है और कितने सारे वर्ड्स दिए हैं। देखिए, डीफ्लेट भी होता हो सकता है, शो अप हो सकता है, डी मिस्टिफाई हो सकता है, ले बेयर हो सकता है, ले बेयर तो एक्चुअली इडियम भी होता है, ले बेयर। यहाँ पे एंटोनिम दिया है इसका, यहाँ पर एग्जाम्पल सेंटेंस, और एग्जाम्पल सेंटेंस भी मैंने 2 या 3 मैंने लिए हैं और बहुत ही यूजफुल है ये। देखिए, पेंडेमिक, ये वर्ड काफ़ी बार पूछा गया है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैंने इसके सिनोनिम दिए हैं। जब आप बार बार देखेंगे इन वर्ड्स को तो अपने आप ही ये वर्ड्स आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। राइफ यहाँ पर दिया गया है और ये है इसके एग्जाम्पल सेंटेंस। ये देखिए, डिस्पैरेज, डिस्पैरेज का मतलब किसी का मखौल उड़ाना, किसी की हंसी उड़ाना। आप यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हैं, कितना मीनिंगफुल ये पिक्चर है। और यहाँ पर देखिए कितने सारे सिनोनिम मैंने इसके दिए हैं, बिलीफाई, रिडिक्यूल, बिलिटिल, लाफ एट, स्नियर एट, डेराइड, और ये है इसका एंटोनिम प्रेज, और ये है इसका एग्जाम्पल सेंटेंस। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये देखिए बोसीफेरस इनको डिजाइन किया है। ये 6 ई बुक्स का कलेक्शन है, 2500 वर्ड्स इसमें कवर हो जाएंगे आपके। बैरन के वर्ड्स इसमें कवर किए हैं मैंने, बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल मैगजीन के सारे वर्ड्स कवर किए हैं, प्लिन टू पैरामाउंट के वर्ड्स कवर किए हैं, काफ़ी सारा पोर्शन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने लिया है। SSC में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे कवर हो जाएंगे इसमें। सेल्वेज, ये काफ़ी बार पूछा गया है, सेवेज पूछा जाता है, सेल्वेज पूछा जाता है, सेबोटेज, ये वर्ड भी बहुत ही कॉमन वर्ड है, सेबोटेज, डिस्ट्रॉय करना इसका मतलब होता है, इम्पेयर करना मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु को अपंग कर देना, ठीक है। और ये वेंडलाइज वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, SSC हो, NDA, CDS हो, GMAT हो, कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए ये एक असेट की तरह होंगी। और आप इन ई बुक्स को लेते हैं तो आपके सारे सारे भाई बहन, आपके सारे घर के मेंबर्स इन इन ई बुक्स से फ़ायदा उठा सकते हैं।
ये देखिए इस तरीके से दिया है मैंने, इसमें हिंदी में भी काफ़ी जगह मैंने हिंदी भी यूज़ की है इसमें, और काफ़ी जगह मैंने नीमोनिक ट्रिक्स भी यूज़ की हैं इसमें, नीमोनिक ट्रिक्स से भी मैंने इसमें बताया है। और इनको याद करने के लिए मैंने इसमें काफ़ी सारे प्रैक्टिस सीट दिए हैं, और मैच द फॉलोइंग प्रैक्टिस सीट अभी आएंगी इसमें मैं बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर रिवीजन के लिए, रिवीजन मैच द करेक्ट सिनोनिम, देखिए कितने सारे वर्ड्स, इनको जब आप प्रैक्टिस करेंगे मतलब यहाँ पर जैसे रिडंडेंट दिया है तो रिडंडेंट का मीनिंग क्या होगा यहाँ से आपको मैच करना है, ठीक है। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है तो यहाँ पर आपको इसका मीनिंग दिया होगा, एक तो नीडलेस हो सकता है इसका, ठीक है, तो नीडलेस इस तरीके से आपको इनको याद करना है। पैरोकियल का क्या मतलब होगा तो पैरोकियल का होता है नैरो माइंडेड, देखिए एफ यानी सेकेंड वाला जो ऑप्शन है ये एफ से मैच करेगा यहाँ पर ये, तो इस तरीके से इनको आपको याद करना है। देखिए रिवीजर बहुत ही सफिशियंट वर्ड्स इसमें आपको मिलेंगे, और इन ई बुक्स के थ्रू इन वर्ड्स को आप याद कर लेते हैं तो आपका इंग्लिश सेक्शन आपको बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि सारे कोर वर्ड्स आप याद कर चुके होंगे, ठीक है। और ये जो ई बुक मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये अपनी साइट पर शो कर रहा हूँ examini.in, यहाँ पर आप मेरे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ब्लॉग सेक्शन में जाके इंग्लिश सेक्शन की आप तैयारी कर सकते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इस साइट पर आपको जाना है examini.in, और यहाँ पर एक ब्लॉग सेक्शन रहता है, इसमें ब्लॉग में जाके आप पूरा ग्रामर बैंकिंग के लिए और SSC के लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ। और ये ई बुक्स आप ले सकते हैं, इनका बहुत ही कम प्राइस है, 6 ई बुक आएंगी इसमें, 5 वोकेबलरी की होंगी और एक इसमें फ्रेजल वर्ब की होगी, ठीक है। तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इसका प्राइस 250 है, और जैसे ही वहाँ से आप ऑर्डर करेंगे तो जब आप ऑर्डर करेंगे तो ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और नाम आपको वहाँ पर इंसर्ट करना है, और वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा, उस ईमेल आईडी पर मेल के थ्रू आपको ये ई बुक्स तुरंत भेज दी जाएंगी, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ही आपके पास रहेंगी और इनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ज़रूर लीजिए इन ई बुक्स को और इनसे फ़ायदा उठाइए, इनको बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है, हमारी टीम ने, इसमें जो वर्ड्स हमने सेलेक्ट किए हैं वो कोर वर्ड्स हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं, और सारे कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में ये वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं, तो इन वर्ड्स को लें और इनके थ्रू अपनी तैयारी करें। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में, थैंक यू।